ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम मैथमेटिक्स में कौन सी क्लास पढ़ेंगे? सातवीं क्लास पढ़ेंगे ना। और लास्ट हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो कोणों का अगर जो टोटल होता है वो 90 डिग्री होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और हमने उस पर एक क्लास पढ़ ली है, यानी उसके हमने एक कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, हमने कल तक 12 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, है ना। कल तक हमने 12 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम 13वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या है? 4/√3 हो तो साइन थीटा प्लस कोट कोस थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, इसके दो मेथड है। एक मेथड तो आपका इसका बेसिक मेथड होगा और दूसरा मेथड होगा एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो एक बार। देखो, टेन थीटा और क्या है प्लस में कोट थीटा बराबर क्या है? 4/√3। आप मुझे बताना कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और कोट थीटा का क्या होता है? कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या है? 4/√3। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, यहां पर इसको क्या कर सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कर सकते हैं ना, इसको इससे गुणा कर सकते हैं। तो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और बटा में क्या है? कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो 4/√3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? एक एक बटा में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, यही होती है। बराबर में क्या जाएगा? 4/√3। इसको ऊपर लिख दो, इसको एक को नीचे लिख दो और कोस थीटा साइन थीटा को ऊपर लिख दो, यानी ये बदल दो बस इसको। अंश बटा हर को हर बटा अंश कर दो। इसमें भी अंश बटा हर का हर बटा अंश हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? हो जाएगा। तो ये आ गया इतना। आगे हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखना। आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर, वो चीज ध्यान से देखो आप। ये जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ना, इसका मान हमको चाहिए। तो इसको आप क्या मान लो? इसको आप के मान लो। क्या मान लो? के। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या जाएगा? 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या जाएगा? के स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखो, रुक जाएगा, यहाँ देखो। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की? एक होती है ना, प्लस 2। साइन थीटा और कोस थीटा का मान कितना है? 3/ क्या है? 4। बराबर में क्या है? के स्क्वायर। बटा में क्या मान सकते हैं? एक। इसको एक से गुणा करेंगे क्या जाएगा? 4। इसको एक से करेंगे तो क्या जाएगा? 2√3। और बटा में क्या है? 4। बराबर में क्या है? के स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा? ये रूट लगेगा। 4+√3 और बटा में क्या है? 4। तो ये क्या जाएगा? के का माना जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना आप कि इसके अंदर हम इसको कैसे करेंगे। आप यदि इसमें 4 की बात करें तो कहने का मतलब क्या है कि इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल क्या होगा? तो नीचे जो √4 है, कहने का मतलब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। तो रूट देखो, रूट क्या कर सकते हैं इसको? हम ऐसे कर सकते हैं, 4+√3 और बटा में क्या है? √4। और √4 का वर्गमूल कितना होता है? √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और इसका रूट हम कैसे निकालेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि √4 के अंदर 4+√3 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो होता है ना, ये होता है 4+√3 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो
याद रखना ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, और इसको और कैसे कर सकते हैं तो देखना रूट चार प्लस दो रूट तीन का वर्गमूल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। चार कब बन सकता है, जब रूट तीन का स्क्वायर करें, जब हम रूट तीन का स्क्वायर करें और हम किसका स्क्वायर करें, रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा तो क्या जाएगा तीन, है ना, और एक का स्क्वायर करें तो क्या आता है एक, तो तीन एक चार बनता है। यानी अगर हम बात करें ए प्लस बी के स्क्वायर की, तो यानी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी। तो ध्यान से सुनना, ए का मान कितना रखें हम, रूट तीन रख दें मान लो रूट तीन का स्क्वायर, बी का मान कितना रखें एक का स्क्वायर, और दो ए का मान एक और बी का मान कितना है, ए का मान रूट तीन, बी का मान कितना है एक, तो दो रूट तीन आ जाएगा, यानी रूट तीन का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा तीन, और एक का स्क्वायर एक प्लस में दो रूट तीन। तो कहने का मतलब दो तीन और एक चार हो गए, तो चार प्लस में दो रूट तीन उधर लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा बताओ। तो चार प्लस दो रूट तीन का वर्गमूल क्या हो सकता है, मतलब ए प्लस बी का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी रूट तीन प्लस में एक, रूट तीन प्लस में एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ। और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा के का कितना, रूट तीन प्लस में एक बट्टा में दो। आप इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं है ये बता दो पहले, तो आप बताओ इस बात से संतुष्ट हो गए। के हमने क्या माना, किसको माना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को के माना था, और इसका मतलब मान आ गया रूट तीन प्लस एक बट्टा दो। तो ये बताओ आप यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको। इस बात को हम बाद में भी करेंगे वर्गमूल और घनमूल के अंदर ये कैसे निकलता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। आप इसको और किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं यहां ध्यान दो, इसमें आप इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट कैसे आ सकता है, आप मेरी बात को ध्यान से और गहराई से सुनो ठीक है। आप एक बार बताओ मुझे, आप एक बात मुझे आप बताओ कि आपने ये तो सीख लिया किसका मान क्या है चार, ये रूट तीन प्लस एक बटा दो आ रहा है, लेकिन जो रूट तीन आ रहा है ना कहीं इसमें आप देखो, आप इसमें टेन तीस का मान रख के देखो, रूट तीन टेन मेरे कोट में आता है, रूट तीन सारणी से रूट तीन किस में आता है बताओ, टेन और कोट का ही मान आता है। और अगर हम बात करें और टेन तीस और कोट तीस में ही आता है, रूट तीन टेन तीस और कोट तीस में आता है, तो आप क्या करो यहां जो आपने थीटा माना ना थीटा, इस थीटा की जगह क्या रखो 30 डिग्री रख के देखो, थीटा बराबर कितना डिग्री रखने पर 30 डिग्री रखने पर, तो देखो tan 30 और प्लस में क्या है cot 30 बराबर में क्या है 4 बटा अंडर रूट 3। इतनी बात क्लियर रखनी है, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 3 होता है क्या, और cot 30 का मान कितना होता है बताओ, खाली रूट तीन होता है ना, खाली रूट तीन होता है कि नहीं होता बताओ, देखो वज्रगुणा करो, एक को एक से करेंगे तो एक ही आएगा, और रूट तीन को रूट तीन से करेंगे तो क्या जाएगा रूट तीन का स्क्वायर यानी तीन आ जाएगा, और रूट तीन का रूट तीन ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये चार रूट तीन आ रहा है ना, तीन और एक चार बटा रूट तीन दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब यह है कि ये बात संतुष्ट हो गई थीटा का मान 30 रखने पर। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, तो आप थीटा का मान 30 रख दो साइन थीटा और कोस थीटा में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अब देखो साइन 30 प्लस में कितना है कोस 30, साइन 30 का मान कितना होता है एक बटा दो, और कोस 30 का मान कितना होता है बताओ, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटा दो, दो एकम दो तो आ जाएगा दो, और ये क्या जाएगा दो को रूट तीन से करेंगे कितना जाएगा दो रूट तीन, और बटा में क्या जाएगा दो दुनी चार। आप देखो कॉमन क्या रहे, आप देखो कॉमन क्या रहे, इन दोनों में दो कॉमन आ रहे, यहां से एक बचेगा प्लस में रूट तीन, और बटा में क्या है दो चार, दो एकम दो, दो दुनी चार, इसको आप क्या लिख सकते हैं रूट तीन की वैल्यू ज्यादा होती है रूट तीन प्लस एक बटा दो, ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा
एवं 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान क्या होगा? कैसे करेंगे? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। देखो 2y cos थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको? x sin थीटा दे रखा है। आप ये देखो कि यहां पर जो वैल्यू है sec थीटा और cosec थीटा में, तो आप यहां पर क्या करेंगे, cos थीटा को किसमें चेंज कर देंगे? 2y cos थीटा का फॉर्मूला 1 बटा sec थीटा होता है, तो sec थीटा लिख सकता हूं क्या बताओ? ऐसा लिख सकता हूं ना, गुणा में 1 गुणा 1 बटा में sec थीटा लिख सकता हूं ना, cos थीटा का उल्टा होता है ना, ठीक है? तो आप इसको 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने इसको बटा में sec थीटा लिख दिया। x sin थीटा को क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 बटा में क्या लिख सकता हूं? cosec थीटा लिख सकता हूं ना। अब 2y cosec थीटा जाएगा ना, 2y बद्रुगुणा कर दो, 2y cosec थीटा आ जाएगा, और ये क्या जाएगा? sec थीटा को x से गुणा करेंगे, x sec थीटा जाएगा। आ गया। अब x का मान निकालना है तो 2y cosec थीटा और sec कहां जाएगा बताओ? बटा में आ जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ? आ जाएगा ना। ये इसको देखो, 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर क्या है? 3 है। और x का मान कितना है यहां से बताओ? 2y cosec थीटा बटा में क्या है? sec थीटा। तो देखो 2 into x की वैल्यू क्या है? 2y cosec थीटा और बटा में क्या है? sec थीटा, और into में क्या है? sec थीटा। यानी मैंने इस x की जगह क्या रख दिया? इसका मान रख दिया बस, माइनस y cosec थीटा बराबर में क्या है? 3। sec से sec कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? दो दुनी चार, चार वाई क्या जाएगा? कोसेक थीटा जाएगा, माइनस का वाई कोसेक थीटा जाएगा, बराबर में क्या जाएगा? 3। ये चार वाई कोसेक थीटा है, ये एक वाई कोसेक थीटा है, कितना बच जाएगा? 3 वाई कोसेक थीटा बराबर में 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वाई का मान क्या जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा। यानी एक वाई बराबर क्या जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बता दो, आई बात समझ में? देखो ये ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर एक बार। ये वाई का मान कितना आ गया? साइन थीटा। और सरल बना सकते हैं यहां से आप, एक्स का मान निकालो 2, वाई का मान कितना है? साइन थीटा है क्या? इंटो में क्या है? कोसेक थीटा है ना, बटा में क्या है? सेक थीटा है ना। अच्छा बताओ, साइन और कोसेक की जगह मैं एक लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? हाँ या ना बताओ। साइन इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? एक होता है ना मान, तो 2 एकम 2, ये तो आ गए 2, और 1 बटा कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ। तो x का मान 2 कोस थीटा आ गया और y का मान साइन थीटा आ गया। क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। एक्स का मान कितना है? 2 कोस थीटा, तो ये क्या जाएगा? 4 कोस स्क्वायर थीटा। और इसका मान कितना है? 4। वाई का मान कितना है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर। समझ में आया इतना? यहां तक नहीं आया बताओ? क्या दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 4 बाहर निकाल लो और बाकी को ऐसे कैसे लिख दो? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। आप बताओ कुछ दिख रहा है आपको? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 को 4 से गुणा करेंगे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। यदि कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की का पावर 4x बराबर क्या होगा? कैसे करेंगे? थोड़ा स्मार्ट दिमाग आप लगाओ। अगर आपने हार्डवर्क किया तो स्मार्ट वर्क आप आराम से कर सकते हो इसके अंदर। कैसे करेंगे? आपको दिया क्या है, सबसे पहले देखो कोस एक्स दिया है, बराबर क्या कर सकते हैं? कोस एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है इसके अंदर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। तो कोस एक्स की देखो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो कर सकते हैं ना, यानी यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा ये बताओ? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर एक्स आ गई। कैसे आई पता लग गया? नहीं लगा ये बताओ, ये पता लग गया ना इसकी वैल्यू कैसे आई?
अब क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन साइन की पावर फोर एक्स ये पूछा है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, अरे क्या है बताओ ना, तो कोस एक्स रख दो, और साइन की पावर फोर है तो साइन स्क्वायर का पावर एक्स में करके ऐसे करके स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो कोस एक्स तो ऐसे कैसे रहने दो, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स है ना, अरे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स, तो कोस का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, फिर से कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, नहीं बड़ी बात समझ में, और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ ऊपर एक, तो कहने का मतलब इसका आंसर भी क्या जाएगा, बात आया समझ में नहीं आई बताओ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दो सामने एक बार, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए वैसे तो, देखो अगर हम बात करें ना कि a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के जो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ए क्यूब होता है और इधर लिखेंगे बी क्यूब, बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, और प्लस में लिखेंगे तीन ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस में बी, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना आपको, ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ये होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दूसरे रूप में, ए क्यूब प्लस तीन ए बी को जब ऐसे गुणा करेंगे तो खाली ए का स्क्वायर होगा और तो कुछ होगा नहीं इसमें, बात आ रही समझ में, और जब हम तीन ए बी को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली बी का स्क्वायर होगा और प्लस में बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, बात आ रही है समझ में यहां तक, तो या तो a प्लस बी का क्यूब बनेगा या फिर a माइनस बी का क्यूब बनेगा या a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, ये इसमें बनते हैं ऐसे, तो इसमें आप यहां ध्यान दो कि इस कंडीशन में आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले क्या है गिवन क्या है आपको इसमें, इसके अंदर जो गिवन है वो है कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है एक, और क्या दे रखा है साइन की पावर 12x प्लस 3 साइन की पावर 10x, पहली बार में आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद ये सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा, साइन की पावर 6x और माइनस का क्या है एक, माइनस का जो एक है ना इसको आप छोड़ दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए, आपको इस पर काम करना है, देखो यहां तक तो आप क्या करेंगे साइन की पावर, आप देखो सूत्र में क्या है तीन है तो साइन तीन एक्स की पावर आप क्या लिख सकते हैं बताओ, चार लिख सकते हैं, प्लस तीन साइन यानी एक का मान कितना है, ध्यान दो एक का मान यहां से आ गया साइन क्यूब एक्स, और इंटू में बी का मान कितना आ गया बताओ, बी का मान, या फिर यहां से देख लो तीन साइन क्यूब एक्स है ना एक का मान, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ, ये साइन ध्यान दो तीन एक का मान कितना है ये देखो आप कितना है साइन क्यूब एक्स और इसका स्क्वायर, और बी का मान कितना है, बी का मान देखो कितना है यहां पर देखो बी का मान जब हम करेंगे ना तो यहां पर क्या है बी का क्यूब है, तो इसका मतलब साइन क्यूब होगा यहां पर, इसका मतलब यही है ना, या तो साइन क्यूब होगा या यहां पर बी का मान कितना हो सकता है, ध्यान दो यानी ए क्यूब तो हमने कर दिया, 12 को क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब लिख सकते हैं ना, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, साइन जो 12 एक्स था इसको हमने साइन 3 की एक्स करके 4 लिख दिया, लिख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप, या आप इसका मान यहां पर 4 लिख सकते हैं और इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं, तो अब ये a का क्यूब बन गया कि नहीं बन गया बताओ, a का क्यूब मतलब ये पूरा a का मान साइन की पावर 4x है इसका क्यूब कर दिया तो याद आएगा 12, क्या समझ पाए यहां तक हैं, और प्लस में 3 a का मान कितना है बताओ, a का मान कितना है 4 कर दिया हमने यहां पर, तो देखो 3 a का मान कितना है यहां पर a का स्क्वायर है और a का मान कितना है 4 है और इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया तो 4 दूनी 8, इसका मतलब b का मान क्या होगा, b का मान होगा यहां पर साइन की पावर 2x, क्या यही होगा क्या,
यही होगा, बी का मान यही होगा, प्लस में क्या होगा, तीन, और ए का मान कितना है बताओ, ए का मान कितना की बार, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x है, और बी का मान कितना है बताओ, साइन की पावर क्या है 2x, यारा बी का मान, और प्लस में क्या है, बी का मान कितना है, साइन की पावर 2x है और इसका क्यूब और है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपको ये दे रखा है साइन की पावर 12x हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 इंटू साइन की पावर 4 दूनी 4 की पावर 8x तो ये रही, और 2x है तो 10x हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये 3 साइन की पावर 4x और साइन की पावर 2x, साइन की 3 साइन की पावर यहाँ पर 6x हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, सॉरी 8x हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, कोई गलती तो नहीं करी अपन ने इसके अंदर। और यहां पर देखो इसमें b का मान स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर आएगा यहां पर, क्योंकि 3ab का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या है, b का क्यूब है। क्या समझ पाए या नहीं पाए बताओ, अरे यहां तक आप समझ पाए कि नहीं पाए, एक बार दोबारा देखो, आप ये फॉर्मूला समझ रहे हैं ना क्या होता है, आप ये देखो ध्यान से, आप चलो इसको देखो, इस साइन 12x को क्या लिख सकते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आप साइन की पावर 12x को मैं a की पावर मान सकता हूं कि 12x, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको a की पावर 12x मानूं, ऐसे a की पावर में 12 मानूं, मान लो इसको खाली 12 मान लो, इसको क्या मान सकते हैं 3, और a की पावर क्या मान सकते हैं 10, इसको क्या मान सकते हैं, इसमें b भी तो होगा, इस साइन की 6 को क्या मान सकते हैं, b की पावर क्या मान सकते हैं, इसको 6 मान सकते हैं ना, तो इसमें क्या है ना, b की पावर थोड़ी यहां पर गुणा होगी इसमें, अब b की पावर क्या है वैसे, यहां पर अगर इसमें b की पावर 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 या 6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ, तो आप क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से सुनो एक बार आप ध्यान से ये सुनो कि जो साइन 12 है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x और इसकी पावर आप 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, तब भी तो 12 ही बनेगी, ये 3 हमको बाहर रखनी, कहने का मतलब ये है 3 हमको क्या रखनी है, ऊपर रखनी है, क्योंकि a का क्या है, a के अंदर कुछ भी रखो लेकिन आपको 3 उसकी घात ऊपर ब्रैकेट के ऊपर माननी है, समझ पाए, उसके बाद प्लस में 3। अब फॉर्मूले में क्या है देखो, a का स्क्वायर और b है, a का स्क्वायर और, तो आप a का मान तो ये आ गया ना, साइन की पावर 4x, क्या आ गया, a का मान आ गया साइन की पावर 4x, और a का ऊपर से क्या दे रखा है, फिर से स्क्वायर दे रखा है, इंटू b का मान, अभी देखना हम रखेंगे b का मान यहां रखा जाएगा, b का मान कहां रखा जाएगा, यहां पर। अब प्लस में 3, इसकी कहानी पूरी हो गई, अब ये पावर के ऊपर पावर होना, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसका मतलब साइन की पावर 8x तो हो गई, कितनी और चाहिए, तो इसका मतलब b का मान साइन की पावर स्क्वायर x हो सकता है कि नहीं सकता, अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगी, नहीं बैठी बात समझ में, साइन की पावर 8x तो ये हो गई और साइन की पावर 2x हो गई, जब आधार समान तो घाती छोड़ जाती है ना, 8 तो 10 हो जाएगी। अब देखो, अब इसका मतलब होगा a का मान तो साइन की पावर 4x आ गया, b का मान क्या आ गया, तो देखो अब 3 a का मान कितना रखो गुणा में, साइन की पावर 4x रखो कि नहीं रखो बताओ, और b का मान क्या रखो, b का साइन की पावर 2x रखो, और 2x का स्क्वायर हो रहा है क्योंकि b का स्क्वायर है। अब देखो 2 दुनी 4 और 4 8 हो रही है कि नहीं हो रही बताओ, ये हो रही है, प्लस में क्या होगा, साइन की पावर कितना जाएगा बताओ, 2x जाएगा, इसका क्या है क्यूब, समझ पाए, और माइनस एक बाद में दे रखा है, इसको लिखते जाओ आप। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं a प्लस बी का क्यूब, इसको पूरे को क्या लिख सकता हूं बताओ, a प्लस बी का क्यूब लिख सकता हूं, a का मान कितना है, साइन की पावर 4x, साइन की पावर, और इसका क्या कर सकता हूं बताओ, कुछ नहीं कर सकता, साइन की पावर 4x प्लस बी का मान कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या कर सकता हूं, क्यूब लिख सकता हूं, मतलब इस पूरे को हमने ये लिख सकते हैं अपन, पता लग गए, और बी का मान कितना था। अब आप उसको देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो देखना cos x बराबर क्या आ सकता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x आ सकता है, यानी हम लिख सकते हैं cos x को क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये बताओ यहां तक ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स के बराबर, कॉस एक्स का मान साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो हमको साइन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए, कॉस एक्स आ जाएगा, कितना जाएगा साइन। इसको देखो क्या कर सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं साइन, क्या कर सकते हैं स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, और प्लस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या है बताओ क्यूब। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता बताओ, और साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना है बताओ कॉस एक्स, और इसका क्या है ऊपर से क्यूब, क्या बन गया वापिस से वही बन गया ना, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान एक, और एक का क्यूब कितना होता है एक हो सकता है, लेकिन यहां पर माइनस एक और था तो क्या करेंगे माइनस एक और इसमें से माइनस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और इसमें से क्या कर सकते हैं माइनस एक कर सकते हैं, इसमें से एक माइनस एक कर सकते हैं, इसमें से एक माइनस एक कर सकते हैं, तो लास्ट में क्या जाएगा। तो समझ पाए कि नहीं पाए इस सवाल को बताओ, समझ पाए, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक हो तो कोस की पावर एट एक्स प्लस टू कोस सिक्स एक्स प्लस कोस की पावर फोर एक्स प्लस एक बराबर क्या होगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर देखो ये होता है, हमेशा समझ लेना ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर माइनस करेंगे तो यहां माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, क्लियर है नहीं बात। अब आप ये देखो आपको दे क्या रखा है, इसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे वो आपको समझना है। देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, साइन एक्स प्लस साइन की पावर दो एक्स बराबर एक है, तो साइन एक्स निकालो, क्या जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही जाएगा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है, यानी कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या किसके बराबर आ गई, साइन स्क्वायर साइन एक्स के बराबर आ गई। तुमको क्या दे रखा है ध्यान से देखो, कोस की पावर एट एक्स प्लस टू कोस की पावर सिक्स एक्स प्लस कोस की पावर फोर एक्स प्लस में क्या है एक। आप देखो यहां पर, देखो आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या लगा सकते हैं, थ्योरम फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ये देखो कि यहां पर देखो आठ है, कितना है यहां पर आठ, यहां पर क्या है चार, तो आप देखो कोस की पावर चार एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जो भी इसके अंदर होगा ना वो क्या होगा ए का स्क्वायर होगा, सॉरी ए की वैल्यू होगी ए का स्क्वायर। प्लस क्या है दो, ए का मान कितना है कोस की पावर चार है, कोस की पावर कितनी है चार, तो देखो छह में से चार यहां गए तो कोस की पावर कितनी बचेगी दो, यानी ये बी का मान होगा दो ए बी, और प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या है, बी का मान है कोस स्क्वायर एक्स, और इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और प्लस में एक है, बात आ गई समझ में। अब आप देखो ए का स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अब क्या कर सकते हैं इसकी जगह ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कोस की पावर चार एक्स, ए का मान तो ये है, बी का मान क्या है कोस की पावर दो एक्स ये है, और क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या है एक। आप देखो कोस की पावर चार एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कोस की पावर टू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस कोस की पावर दो एक्स स्क्वायर प्लस में एक। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, अभी मैंने बताया आपको साइन लिख सकते हैं भाई, कोस स्क्वायर एक्स की जगह साइन लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन एक्स लिख सकते हैं है ना, और इसका क्या है बताओ स्क्वायर, और बराबर प्लस में क्या है एक। इसकी वैल्यू क्या है बताओ आप, इसकी वैल्यू क्या दे रखिए एक के बराबर, और एक का वर्ग कितना होता है एक का वर्ग प्लस में एक क्या जाएगा, एक का वर्ग एक और एक दो, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दो। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यदि ए स्क्वायर बराबर एक प्लस दो साइन थीटा कोस थीटा बटा में वन माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा है,
ए प्लस एक बटा ए माइनस का एक का मान बताओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है सी एंड डी। सी एंड डी रूल क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके सॉल्यूशन से पहले हम पढ़ेंगे सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल नियम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, सी का मतलब होता है कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, और डी का मतलब होता है यहां पर डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है योगांतरानुपात, रानुपात। ये क्या होता है ध्यान से समझना। ये रूल कहां पर लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टाइम बचाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्या होता है, अगर मैंने यहां पर मान लिया, मान लो ए बटा बी, क्या मान लिया? ए बटा बी, और मैंने मान लिया यहां पर सी बटा डी, क्या मान लिया? एक तो माना मैंने ए बटा बी, और क्या माना मैंने यहां पर सी बटा डी। क्या ये मान सकते हैं? क्या आपने दो रेशियो माने? क्या माने आपने? दो रेशियो मान लिए, एक तो मान लिया ए बटा बी, और दूसरा क्या मान लिया आपने? सी बटा डी। फिर से आपने मान लिया ए बटा बी, और फिर मान लिया आपने सी बटा डी। मेरी बात को आप ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने यहां पर इसमें से एक एक घटा दिया, क्या घटा दिया? एक एक घटा दिया। यहां पर क्या कर दिया? एक एक जोड़ दिया। देखो नाम से पता चल रहा है योग प्लस अंतर का अनुपात, योग वे अंतर का। अगर मैं इसको जोड़ देता हूं यहां पर, तो इसमें मैं बटा में एक मानूंगा, क्या होगा? ए को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस का बी बटा में बी। क्या ये समझ पाए आप कैसे आएगा? और आगे क्या आएगा? सी बटा डी, सी माइनस डी बटा में क्या आएगा? डी, यही आएगा। मैंने लिख दिया ए माइनस का बी बटा में सी माइनस डी, इधर आ जाएगा और इधर क्या जाएगा? बी बटा डी। ये पता लग गया कैसे आया ये वाला यहां से यहां तक है? सी माइनस डी की जगह मैंने बी को, इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं, तो मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, यानी ये आ गया यहां से। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इसको कैसे करेंगे? ए प्लस बी बटा में बी, क्या समझ में आया? ये भी सी प्लस डी बटा में डी, क्योंकि जब इसको मद्रुगुणा करके एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा। अब वही बात, ए प्लस बी बटा में सी प्लस डी, ये भी आ गया बी बटा डी। आप ये बताओ यहां तक, इन दोनों में, इस इक्वेशन में और इक्वेशन दो में किस किस को समझ में आ गया यहां तक? सबको समझ में आ गया? अगर ये दोनों बराबर हैं, इनके मान बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ए माइनस का बी बटा में क्या आ जाएगा? सी माइनस का डी किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? सी प्लस डी के बराबर। ए माइनस बी के नीचे किसको ला दूंगा मैं? ए प्लस बी को, और सी माइनस डी को किसके ऊपर ला दूंगा? सी माइनस डी को इसके, सी प्लस डी के ऊपर ला दूंगा। तो ये बताओ आप, यहां से एक ये नियम निकल कर आ गया कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जो, इन दो संख्याओं के अंतर दो संख्याओं के योग के बराबर होता है। देखो लास्ट आपका क्या आ गया? ये आ गया ना, लास्ट आपका क्या आ गया? ये आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान से सुनना, इसको लिख सकते हैं ए बटा बी, और इसको क्या लिख सकते हैं? सी बटा डी। ठीक है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, यदि ए बटा बी है कोई रेशियो, और एक क्या है? सी बटा डी है। ए बटा बी है, और क्या है इसमें? आपको सी एंड डी लगाना है। सी एंड क्या लगाना है? डी लगाना है। मान लो तो कैसे लगाएंगे? ए बटा बी में, सी बटा डी में। देखो ए बटा बी लिख दिया आपने, ए लिख दिया, तो ए में एक बार क्या है? बी जोड़ दो, और एक बार क्या कर दो? बी घटा दो। ए बटा बी में, सी बटा डी में आपको क्या लगाना है? सी एंड डी लगाना है। तो क्या करेंगे? ए में बी जोड़ दो, और ए में से बी घटा दो, और सी बटा, इसमें सी में डी जोड़ दो, और सी में से डी घटा दो। ये क्या लग जाएगा? सी एंड डी
रूल लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई दो चीजें हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स बटा वाई, या एम बटा एन है, ओ बटा पी है, तो क्या कर सकते हैं इसमें सी एन डी लगाना, तो क्या करेंगे, एम प्लस में एन और एम माइनस में एन, ओ बटा पी में क्या करेंगे, ओ प्लस में पी और ओ माइनस में पी, ये क्या होता है आपका सी एंड डी रूल होता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है आपको, सात बटा दो दे रखा है, क्या दे रखा है, सात बटा दो दे रखा है। इतनी बात आप क्लियर है कि नहीं बताओ, ये बताओ। मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को समझना ध्यान से। ये x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर में सात बटा दो दे रखा है, क्लियर है ना। मैं इसमें x और y का मान निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ, x और y का मान। तो आप ऐसे निकालेंगे, x प्लस वाई को किससे गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा दो इंटू एक्स प्लस वाई, समझना मेरी बात को ध्यान से। और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई और इंटू में सात, क्लियर है ना यहां तक। आगे देखो, दो को एक्स से गुणा करेंगे दो एक्स, और दो को वाई से गुणा करेंगे दो वाई, सात को एक्स से गुणा करेंगे सात एक्स, सात को सात से गुणा करेंगे कितना जाएगा, एक मिनट वाई है सात वाई, इतनी बात क्लियर हो गई। सात एक्स में से दो एक्स इधर ले आओ, कितना हो जाएगा माइनस का, और माइनस सात वाई में से क्या करेंगे, इधर दो वाई इधर ले आओ, कितना हो जाएगा माइनस का दो वाई, सात में से दो वाई कितने हो जाएंगे, और ये क्या जाएगा नौ वाई, और एक्स बटा में वाई क्या जाएगा नौ बटा में पांच जाएगा, एक तरीके से यही आएगा, क्या यही आएगा ना, माइनस पांच मान लो कोई दिक्कत नहीं है, यही मान लो, मतलब नौ बटा पांच आएगा, रेशियो से मतलब है हमें फिलहाल अभी, किससे मतलब है रेशियो से, इतना समझ में आया कि नहीं आया, नौ बटा पांच आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब योगांतर अनुपात कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनना, अगर x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई आपको सात बटा दो दे रखा है, तो x और y का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, सात में आप ये नीचे वाला एक बार जोड़ दो और एक बार ये रेशियो घटा दो, तो आपका आंसर मेरे हिसाब से वही आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था। आया योगांतर अनुपात समझ में, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू सात, x माइनस वाई की वैल्यू दो दे रखी है, x और आपको पूछा है x अनुपात y क्या होगा, तो क्या करेंगे इसमें हम c एंड d कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, यानी इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात, समझ में आया ना। तो सात में एक बार नीचे वाला जोड़ देंगे, एक बार नीचे वाला घटा देंगे, तो आपका आंसर भी वही आएगा। तो इसका आपको करने में क्या बचा, टाइम बचा। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल को सोल्व करने के लिए इसमें सी एंड डी रूल लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करना चाहो कर सकते हो, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गए, ये समझ में आ गया ना, ये एक्स बटा वाई कैसे आया, मैंने भी बताया एक्स प्लस वाई में बटा में एक्स माइनस वाई, बल्कि इसमें आपको डिविडेंड रूल लगाना है, मतलब सी एंड डी रूल। कैसे लगाएंगे, एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस का वाई और बटा में बराबर में सात बटा दो दे रखा है, तो एक्स बटा वाई आया ना नौ बटा पांच। तो आप देखो एक्स प्लस वाई ऊपर वाले को ले लो, ऊपर वाले में एक बार क्या करेंगे, नीचे वाले को एक बार जोड़ देंगे एक्स माइनस वाई को, और ऊपर वाले में ही एक बार नीचे वाले को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, इसको घटा रहे हैं ऊपर वाले में, घटा रहे हैं, मतलब इसको कुछ समझ में आ रहा है आपको, सात में मतलब आप ये दो जोड़ रहे हो सात प्लस दो, और सात में ये दो घटा रहे हो, इसका मतलब इस ऊपर वाले x प्लस वाई में ही आप x माइनस वाई नीचे वाला घटा रहे हो, और ऊपर वाले में ही आप नीचे वाला घटा रहे हो और ऊपर वाले में जोड़ रहे हो, मतलब सैमसंग क्या हो गया ना। इसको सोल्व करो, y से y कट जाएगा, 2x बचेगा, और माइनस का x तो इस x से कट जाएगा, और y और माइनस माइनस प्लस y, दो y बच जाएगा नीचे, तो यानी बराबर में सात और दो नौ, सात में दो गए पांच, यानी दो से दो कट गया, तो x बटा वाई का मान क्या आ गया नौ बटा पांच। तो समझ में आया सी एंड डी रूल लगाना कैसे लगाते हैं, समझ में आया। मान लो कि ये है एम प्लस एन बटा एम माइनस एन बराबर क्या है तीन बटा पांच, या फिर मान लो
सात बटा तीन है। कैसे लगाएंगे डिविडेंड रूल, सी एंड डी रूल कैसे लगाएंगे? इस ऊपर वाले में से क्या करेंगे अपन, नीचे वाला माइनस जोड़ेंगे एम माइनस एन, और ऊपर वाले में ही आप क्या करेंगे घटाएंगे एम माइनस एन। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और साथ में अपन तीन जोड़ेंगे, सात में से तीन आप घटाएंगे, तो ये एन से एन कट जाएगा, टू एम बच जाएगा। और एम लिखो, एम प्लस एन, माइनस का एम और प्लस का एन हो जाएगा, ये माइनस एम से गुणा होगा तो माइनस का एम, ये माइनस इस माइनस एन से गुणा होगा प्लस का एन। सात और दो तीन दस, सात में तीन के चार, है ना? तो एम एम से एम कट जाएगा, एन और एन दो एन, तो यानी टू एम बटा में क्या जाएगा, टू एन बराबर दस बटा में चार, दो से दो कट जाएगा, दो पन दस, दो दूनी चार, यानी एम और एन रेशियो क्या आ गया, पांच अनुपात दो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको सोल्व करो, तीन को एम से गुणा करेंगे, तीन एम प्लस तीन एन बराबर में सात एम माइनस सात एन, क्या करेंगे सात एम इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब सात में से तीन इधर को आएगा चाहे तो कितना बच जाएगा, चार एम बराबर तीन एन में से सात एन इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा, चार एन हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, चार एन यही होगा क्या? अरे भाई तीन एम सात एम जाएगा और इधर को माइनस का दस हो जाएगा, तो दो दूनी चार, दो पन दस, देखो एम का पांच एन का मान दो, एम का पांच एन का मान दो, यही हो रहा है। तो ये होता है सी एंड डी रूल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसमें सी एंड डी रूल लगाएंगे, ठीक है? इसको आप एक बार नोट तो करो। इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए स्क्वायर बराबर एक प्लस दो साइन थीटा कोस थीटा, एक माइनस दो साइन थीटा कोस थीटा है, तो ए प्लस एक बटा ए माइनस एक का मान बताओ। ध्यान दो एक बार इस क्वेश्चन पर, आप ये बताओ ए स्क्वायर दे रखा है ना, बराबर में क्या है, एक प्लस दो साइन थीटा और क्या है कोस थीटा, बटा में क्या है एक माइनस दो साइन थीटा और कोस थीटा। आप एक बार बताओ, आप ए स्क्वायर बराबर क्या, एक की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि एक बताओ इसमें, तब भी तो इसका मान एक होगा ना, प्लस में टू साइन थीटा और कोस थीटा, इतने बात समझ में आ गई। बटा में क्या कर सकते हैं, एक की जगह यही लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का टू साइन थीटा और कोस थीटा। अब बताओ आप ये बात कि यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ आप इन सब का स्क्वायर लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर आप एक बार में लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर का मान ये आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए का मान क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस, जब ऐसा दे रखा हो तो सी एंड डी रूल लग जाएगा, बताओ ना, जब ऐसा अगर दे रखा है तो सी एंड डी रूल लग जाएगा। सी एंड डी रूल कैसे लगाएंगे इसके अंदर बताओ, आप बताओ ए बटा में एक है, इसके अंदर रूल क्या लगाएंगे हम, सी एंड डी का कैसे लगाएंगे बताओ। ए के बटे में एक मान सकते हैं, ए के बटे में मान सकते हैं ना, पक्का, ए में एक जोड़ देंगे और ए में एक घटा देंगे, बराबर में क्या होगा, ये रूल यहां पर भी लगा सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा और कोस थीटा, यानी ऊपर वाले में क्या कर सकते हैं हम, नीचे वाला एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं, पक्का समझ में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, एक बार नीचे वाला घटा रहे हैं, ये कट जाएगा ना, साइन और साइन क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बटा में क्या जाएगा कोस से, देखो साइन से साइन तो कट जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, टू कोस थीटा, टू से टू कट जाएगा, साइन बट्टा कोस क्या होता है टेन थीटा, वैल्यू किसकी आ गई है, ए प्लस एक बटा ए माइनस का एक बराबर टेन थीटा, और हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा है हमसे, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ए प्लस एक बटा ए माइनस एक बराबर में टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक हमने
मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, ठीक है, साथ में क्या पढ़ा, सी एंड डी, यानी यानी कॉम्पिडेंडो और डिविडेंडो, शॉर्ट में ये बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो आप यहां तक नोट कर सकते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।